लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हरीश कैसा बना ज़रूर कमेंट में बताना कि ये हरीश कैसा बना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है कि हम हरीश बना रहे हैं। हरीश को सामान क्या क्या लगता है देखो। ये 500 ग्राम मटन लिए है, हड्डी वाला, ऐसा चिकनी वाला हड्डी वाला मटन लिए है। 250 ग्राम दलिया लिए है, ये गेहूं का दलिया है, ऐसा बनाते हैं। 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम तुअर की दाल, 50 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम मूंग की दाल, 50 ग्राम मसूर की दाल और 50 ग्राम चावल लिए हैं। ये खड़े मसाले, ये इसका पाउडर बनाना है। दालचीनी, इलायची, लौंग और शाह जीरे का एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। और 2 नींबू, कस्तूरी मेथी, गार्निशिंग के लिए काजू, 4 टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्चा, 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, कोतमीर, हरा धनिया, ये डाय मसाले, 3 से 4 अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चाट मसाला है, अंबारी चाट मसाला, ये खड़े मसाले हैं, ये धनिये का मसाला, 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची और हल्दी। पहले कि इस दालों को धोकर एक जगह उबाल लेना है, दलिया को एक जगह उबाल लेंगे, फिर मटन सकती है। ये हमने सब दाला धोकर अब इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर अच्छे से उसको उबाल लेना है, पूरा दलिया सब किस्म के दाला डालकर उबाल लेना है। थोड़ा जैसा नमक डालना है, थोड़ी हल्दी आधा चम्मच, थोड़ा जैसा अदरक लहसुन, अच्छे से मिक्स करना है। उसको 6 से 7 सीटियां देना है, 6 से 7। थोड़ा सा मीठा तेल डालना है, ये फेस भी नहीं आता है और जल्दी से गल जाते हैं, थोड़ा जैसा मीठा तेल डालना। ये मटन है, मटन को भी उबाल लेना है, गोश्त को, ये हड्डी वाला चिकना वाला मटन गोश्त भी हमने इसको उबाल लेना है, अच्छे से नरम, अपन गोश्त उबालते ना उससे ज़्यादा नरम करना है। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। थोड़ी हल्दी, 2 गिलास पानी डालना है, 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर एकदम नरम हुए तक, गोश्त रेशा रेशा हुए तक उसको उबालना है। जब तक एक खड़े मसाले पीस लेना है, मिक्सर जार लिए है, गरम मसाला तैयार करेंगे पीस के। ये घर का मसाला हमने गरम मसाला पीस के रेडी रखा है। ये टमाटे की प्योरी बनाने का है, हमारे पास तो सोया सॉस है ना, हम टमाटे की प्योरी डालेंगे इसको मिक्सर में पीस। ये हमने टमाटे पीस चुके हैं, ऐसी प्योरी बना दी है, इसी पे और ये गरम मसाला पीस ली है। अब प्याज को फ्राई करना है, एकदम तल कर लेना है। एक पैन रखे है, इसमें तेल डालना है, तेल को अच्छी तरीके से गरम हो गया बाद में से, तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुके है, अब ये प्याज को डाल लेना है, अच्छे से फ्राई करना है इसको, एकदम गोल्डन हुए तक इसको फ्राई करना है प्याज को। हमारी
प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, एकदम गोल्डन हो चुकी है। अब इसको निकाल देना है। तेल है महीना बगारने में यूज करेंगे। ये हमारी प्याज तल चुकी है। इधर दलिया गल रहा है हमारा। ये हमारा दलिया गल चुका है दालों के साथ। अब इसको हल्के हल्का उसको ग्राइंड में डालकर पीस लेंगे। ठंडा हो गया हम इसे पीस लेंगे। ठंडा हो चुका है ये, इसको हल्का हल्का पीस लेना है। ऐसा पीस लेना है बारीक, सारा पीस के तैयार करेंगे। ये हमने ऐसा पीस लिए है दरदरा, कोटने के नाम का हमने पीस लिए है। अब इसको बगारना है। ये गोश हमारा गल चुका है, एकदम रेशे रेशे हो रहा है, ऐसा घुट लेना है थोड़ा थोड़ा। ये मटन हमारा मैश हो चुका है, गल चुका है। अब एक भगोना रखी है इसमें, अब बगारने का है हरीश को। ये प्याज तलाला तेल है, इसमें डालना है, आधा डाल देंगे। ये कुछ खड़े मसाले, ये तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें खड़े मसाले डालना है। शाजीरा, इलायची, दालचीनी और लौंग हल्का सा फ्राई होने देना है मसाले को। उसके बाद ये प्याज डाल देना है। प्याज को भी इसका कच्चापन खत्म होने तक इसको भूनना है। एक से डेढ़ सेकंड कच्चापन खत्म होने तक। फिर ये हरी मिर्ची डालना है 8 से 10, अच्छे से 1 सेकंड भूनना है। प्याज और मिर्ची फ्राई हो चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन डालना है 1 चम्मच भरकर बड़ा, अपने हिसाब से डालना है। गोश्त में भी डाले थे हमने और दलिये में दाल गलाते हुए डाले थे। अच्छे से उसको भून लेना है 1 से 2 सेकंड। दाल भून देना है अदरक लहसुन को, कच्चापन खत्म होने तक इसको भूनना है। ये अदरक लहसुन लाल हो चुका है। अब इसमें ये मटन मैश करके रखे वाला मटन डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। मैश कराला गोश्त डाल चुके हैं, उसको अच्छे से भून लिए हैं। अब इसके टमाटे की पेवरी डालना है। अब सोया सॉस लेना तो ये टमाटे की प्योरी कर कर डाले हमने। अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको अच्छा भूनना है, ये पूरा सूखे तक। ड्राई मसाले डालना है 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 चम्मच, धने का मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। हमने गोश्त में भी नमक डाले थे और दलिये में भी डाला, टेस्ट के हिसाब से डालना है। थोड़ी हल्दी, एक से दो मिनट अच्छे से मसालों को ये सूखे तक भूनना है। ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें थोड़ा पुदीना, कोथमीर और 1 नींबू का जूस 2 डालना।
दो नींबू का टीका है। ये हरा धनिया नींबू डालकर अच्छे से एक सेकंड भूनना है। ये गोश्त धोया, ये कुकर में गोश्त बायन वाला पानी है, ये भी डाल देना। हल्का सा पानी डालकर, हल्का सा पानी डालकर उसको एक उबाल आने देना है। थोड़ी कस्तूरी मेथी डालना है। दो से तीन चम्मच गरम मसाला, वो पीस के रखे वाला हमने मसाला डालना है। अच्छे से एक उबाल आया तब उसको पकाना है। ये पानी डाल वाला उठ चुका है हमारा। अब ये दलिया पीसी वाला डाल देना है। सब डालो, पानी की भी ज़रूरत पड़ी तो इसमें गरम पानी डालना है। अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। चुका है हमारा हरीश। घोटते जाना है, घोटते जाना है, उसको गाढ़ा हुए तक उसको घोटना है। अब ये घोटने से घोटना है। घोटते घोटते दो से तीन मिनट हो चुके हमारे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। थोड़ा नमक कम दिख रहे हैं, हम थोड़ा नमक डाल रहे हैं। खट्टा जरा कम दिख रहा है, ये खट्टे का आधा नींबू डाल रहे हैं। और दो से तीन मिनट उसको अच्छे से पकाना है, एकदम गाढ़ा हुए तक ऐसा घेटना है। पूरा एक घंटा लगा है माँ को ये सब तैयार करने में। ये टोटल 10 से 12 मिनट हो गए है। जितना पकाएंगे उतना मजे का पकता है हरीश। देखो और 5 से 10 मिनट और पकाएंगे, हम पकाते जाएंगे। ये पकाते पकाते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डालना है, थोड़ी तली हुई प्याज। ये बन चुका है हमारा हलीम हरीश। देखो आप सर्व करके बताते हैं। ये बन चुका है हमारा हरीश, अब इसको सर्व करके बताते हैं। कितना लजीज, क्या खुशबू बढ़ गया आ रही है, देखो बेहतरीन बन चुका है हरीश। चिंग कर रहे हैं हमने ये तलियाला प्याज पे तेल। ये बन चुका है हमारा हरीश। एक बार ऐसी रेसिपी ट्राई करके देखो, दुआओं में याद रखो। अच्छे अच्छे रेसिपी बनाने के लिए दुआओं में याद रखो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।